हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। सो मैं करीब 20 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बस 20 दिन में मैंने बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे मुझे कॉल्स, ईमेल्स, मैसेज बहुत सारे हैं। एक कॉमन इश्यूज था सबके साथ। सो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बना के मैं सबको समझा सकूँ और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको ये वीडियो पहुँचे, और अगर उनके पास भी ऐसा सिचुएशन आता है तो वो टैकल कर सकते हैं। सो गाइस, अगर एचआर आपको फोर्स करती है रिजाइन डाल दो, पेपर डालो, जो भी लैंग्वेज में आपसे बात करती है कि आप ये कर दो, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो मैं तीन सिचुएशन आपको गिना देता हूँ। उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप फेक एक्सपीरियंस में पकड़े जाते हो, उस समय आपको एचआर बोलती है रिजाइन डाल दो, तो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू 3-4 बार 5 बार जो टेस्ट होता है इंटरनल, उसमें आप फेल करते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। और तीसरा, अगर आप किसी प्रोजेक्ट से निकाले जाते हो इस रीजन से कि आपको काम करने नहीं आ रहा है, आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप जिसलिए आपको हायर किया गया था उस कारण आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इन तीन सिचुएशंस आपके पास नहीं है तो आप कर पाओगे। जैसे कि आपने प्रोजेक्ट्स पे थे, आपको निकाल दिया गया प्रोजेक्ट से कॉस्ट कटिंग कारण, और आप बेंच पे आ गए, प्रोजेक्ट्स नहीं ढूंढ पाए किसी रीजन से, और एचआर का कॉल आया था आपके पास 6 से 7 वीक के बाद कि आप पेपर डाल दो, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखो गाइस, मैंने करीब 30 या 40 बंदों से फोन पे बात किया है, मुझे ईमेल्स बहुत सारे आ रहे थे, तो उसमें सोचा कि बनाता हूं उस पर वीडियो और बहुत सारे बंदों को हेल्प हो सकता है। तो देखो, अगर एचआर का कॉल आए तो आप सीधे बोलो कि आप मुझे फायर कर दो, मैं रिजाइन नहीं देने वाला हूँ। बट गाइस, ये चीज बोलने वाला बंदा मैंने करीब 2 या 3% ही देखा। 94-96% बंदे डर जाते हैं क्योंकि वो जूनियर लेवल्स होते हैं। सीनियर पता है, जो 8 साल 7 साल के हैं वो तो टैकल कर लेंगे कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं करना है, बट जो ग्रेजुएट इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर, जो इंटर्न है, उनके साथ सिचुएशन आता तो कैसे हैंडल करना है? गाइस, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। मैंने 3-4 बंदों को बोला था कि आप कुछ भी हो जाए आप एचआर को बोलना कि आप मुझे फायर कर दो। ये मामला क्यों होता है और क्यों एचआर आपको फोर्स करती है? देखो, एक ही रीजन है, वो 3 मंथ का जो आपका कंपनसेशन है ना, 3 मंथ का नोटिस पीरियड, वो बचाने के लिए, 3 मंथ का सैलरी बचाने के लिए वो आप करते हैं। तो इस सिचुएशन में कोई भी बंदा अगर खड़ा रहता है, मतलब कि मुझे नहीं देना रिजाइन, नहीं देना कुछ भी कर लो, तो एचआर इस सिचुएशन में क्या करेंगे आपको? आपको दो चीज करेंगे। पहला, आपको कन्विंस करेंगे कि दे दो बेटा, नहीं तो पेपर नहीं मिलेगा। आपको यही बोलना है कि नहीं, मैं रिजाइन नहीं दूंगा, आप मुझे फायर कर दो। देखो, मैंने एक बंदे को समझाया था कि आप मत करना, वो बंदे ने एचआर से लड़ा। ये सभी एमएनसी कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे पार्टिकुलर एक कंपनी से कॉल नहीं आती, बहुत सारी कंपनी से कॉल आती है। उसने बंदे एचआर ने बंदे ने एचआर से बोला कि मैं नहीं दूंगा, आप मुझे फायर कर दो। एचआर सॉफ्ट, कि देखो कोई भी सीधे बंदे को ही दबाते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, ये बात सबको पता है, जो सीधा होता है उसी को दबाया जाता है। आप टेढ़ा बनो हमेशा। सो उस बंदे ने बोल दिया कि भाई मुझे नहीं देना है, एचआर उसे कॉल कट की और चले गए। 2 दिन बाद उसके मैनेजर के साथ मीटिंग की कि भाई आप पेपर डाल दो, नहीं तो आपको पेपर नहीं मिलेगा, जो भी एक्सपीरियंस लेटर है हम लोग नहीं देंगे। गाइस, ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर एचआर बोलती है ना, तो आप उससे बोलो कि आप मुझे रिटर्न में दो कि आप मुझे पेपर एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगी अगर मैं रिजाइन नहीं देता हूं तो। ठीक है, एचआर 100% आपको देगी ही देगी पेपर। एचआर आपको डराएंगी कि आप दे दो नहीं तो पेपर नहीं मिलेगा, जो भी एक्सपीरियंस लेटर है हम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। गाइस, सोचो ना आप कि इतने बंदों को गूगल ने, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी ने फायर किया है, तो क्या उनको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा? मिलेगा, विद कंपनसेशंस। ये पूरा खेल कंपनसेशन बचाने के लिए होता है, इसलिए एचआर आपको कन्विंस करती है। और अधिकतर मेरे पास अगर 40-50 का कॉल आया होगा ना, तो 40-50 में से 45 जन तो दे दिए होंगे, कन्विंस हो गए डर के मारे कि भाई ये पेपर नहीं मिलेगा तो आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो इन चीजों को लेकर आप अगर अडिग रहोगे ना, खड़े रहोगे ना एचआर के सामने, तो कन्विंस करना पड़ेगा उनको और आपके साथ कंपनसेशन की बात करनी पड़ेगी। सोचो, अगर 3 मंथ का नोटिस पीरियड है तो एचआर आपके पास आ जाएगी और बोलेगी भाई कि आप नेगोशिएशन कर लो, तो उस समय आप 2 मंथ का मिनिमम और 3 मंथ का मैक्स मांग सकते हो कि भाई मुझे नोटिस पीरियड दो, मैं कर दूंगा। बट ये पॉसिबल नहीं है, एचआर उतना आपको टाइम नहीं देगी। अगर देना ही होता तो भाई आपको रिजाइन को बोलती कि आप रिजाइन दो, आपका 3 मंथ का नोटिस पीरियड मिल जाएगा। 2 मंथ बाद हर किसी कंपनी में बंदों को निकाला जा रहा है अभी भी। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में आप 45 दिन मांग सकते हो या मैक्स टू मैक्स 2 मंथ मांग सकते हो, राइट? 2 मंथ में आप इजिली कहीं भी स्विच कर सकते हो और जॉब ढूंढ सकते हो। और मैंने उस बंदे को समझाया, बंदा भाई तीन राउंड तक एचआर ने दूसरा बार तीसरा बार भी 2-3 बंदे को बैठा के उसको
प्रेशराइज किया, डर के मारे बंदे ने रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने के बाद उसको मिनिमम 1 बिग टाइम मिला था कि भाई जो भी पेपर वर्क है कर लो और चले जाओ। उस सिचुएशन में बंदा कहाँ जा पाएगा, क्या सोच पाएगा, क्या जॉब ले पाएगा 1 वीक में? कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको पता है कि वो निकाल रहे हैं तो आप लड़के क्यों नहीं निकलो, लड़के निकलो। आप हमेशा रहो कड़े कि नहीं मैं नहीं देने वाला, आप मुझे निकाल दो, आप मुझे फायर कर दो। अगर गाइज वो फायर करेंगे ना आपको कंपनसेशन देंगे ही देंगे, चाहे वो आपको बेसिक सैलरी से क्यों ना हो, बेसिक सैलरी से क्यों ना हो, कम से कम 2 मंथ का टाइम तो मिलेगा ना गाइस आपको। उस 2 मंथ में आप सर्च कर सकते हो कहीं भी जॉब्स। बाय द वे आपको 2 मंथ नहीं लगता, 3 मंथ लगता है, तो कम से कम 2 मंथ का तो आपका पैकेज जो सैलरी होगा घर चल सकता है। मुझे सबको पता है कि लाइबिलिटीज होती है गाइस, फैमिली है, परिवार है। सोचो जूनियर बंदे बहुत ज्यादा परेशान है, अभी उनका कॉल आता है तो मैं उनको टाइम देता हूँ गाइज, हमेशा टाइम देता हूँ, चाहे मैं बिजी रहूँ या कुछ भी रहूँ, प्रोजेक्ट्स पे रहूँ, टाइम देता हूँ। बट मेरा मोटिव यही था इस वीडियो बनाने के कारण कि अगर जो बंदे मेरे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं वो मेरे देख के व्यू समझ सके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर ये करेंगे ना गाइज आप, तो 100% आपको 45 से 60 दिन का नोटिस पीरियड मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ दिन का नोटिस पीरियड मिल जाए और मैं जॉब सर्च करूँ, तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा हमेशा कि ना मैं नहीं देने वाला हूं, आप मुझे फायर कर दो। भाई A to Z पेपर आपको देंगे, और ऐसा लगता है बहुत जन को अगर वो फायर कर देंगे तो उस पर एक्सपीरियंस लेटर पर लिखा होगा कि कंपनी ऐसे फायर किया। कभी नहीं गाइस, ये सब कुछ लिखा नहीं होता। सोचो ना जो इतने बंदे मार्केट में लाखों लाख बंदे को फायर कर दिया गया, क्या उनको पेपर नहीं मिला होगा? उनको कंपनसेशन के साथ उनको भेजा गया, और वो एक्सपीरियंस लेटर आपको ऐसा लिख के कुछ नहीं आता। आप कुछ नहीं डरो, आप सीधे बोलो कि मैं रिजाइन नहीं दूंगा, आप मुझे फायर कर दो। देखना वो 1-2 बार कॉल करने के बाद वो तीसरे या चौथे बार में आके जरूर बोलेगी ठीक है नेगोशिएशन करते हैं, आपको इतना दिन टाइम दिया, तो आपका उसके बाद नेक्स्ट टाइम है कि आप उससे कितना नेगोशिएशन कर सकते हो। आप उससे डेट मांगो कि नहीं नहीं मुझे 1 मंथ में काम नहीं चल पाएगा, मुझे 45 डे या 60 डे दीजिए तो मैं करूंगा। और रिटर्न में लेना गाइज, ऐसा नहीं कि वर्बली किसी ने बोल दिया आपको और आपने फट से रिजाइन कर दे दिया, ये तो फिर उनके हाथ में है, या 1 वीक देंगे या 2 वीक या 1 मंथ, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हर चीज का एक रिटर्न होता है, रिटर्न लेना फिर रिजाइन देना। गाइस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मैं 1000 के करीब हूं, और मुझे ईमेल करो, आई विल हेल्प यू आउट ऑल एनी टाइम। थैंक यू, बाय बाय।